हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन। कंठी के साथ मैं इसे रेडी करूँगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं जो नेक बना रही हूँ वो मैं बुकरम पर बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने बुकरम ले ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 15 इंच के करीब ली है और जो लंबाई है वो 9 इंच के करीब ली है। उसके बाद मैं इस तरीके से इसे फ़ोल्ड कर दूंगी। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड। तो अब मैं अपने नेक का मेजरमेंट लूँगी। तो वन साइड की तरफ से आपको 3 इंच में मार्किंग करनी है और 3 इंच ही मैं इसकी लेंथ लूँगी नेक की, क्योंकि यहाँ पर हम कंठी लगाएंगे तो इसमें मैंने 3x3 ही नेक रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे रख लिया है और इस पर एक हल्का सा राउंड शेप दे दूँगी, कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे से 8 इंच पे या 8.5 इंच पे एक मार्क करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे 1.5 इंच का कुछ इस तरीके से मार्किंग करूँगी। तो 1.5 इंच की मैं पट्टी लगाऊँगी इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर मैं इस तरीके से मार्किंग करती रहूँगी और एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, सारे निशान को मिला दिया है। उसके बाद इसमें मैं 1-1 इंच का मार्जिन लूँगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन ले लिया है, ये देख सकते हैं आप। नीचे से भी आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लें कि मार्जिन कितना लेना है आपको। इसे भी मैं एक साथ ही मिला दूँगी पूरे मार्किंग को। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग को मिला दिया है एक साथ और अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप, और ये कुछ इस तरीके से आएगा इसकी शेप। उसके बाद मैं एक फैब्रिक पे ले लूँगी इसे। आपकी अगर चिपकने वाली बुकरम है तो आप इस पर आयरन कर लें। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड कर दूँगी। तो पहले कट लगा देंगे यहाँ पे इस जगह पर और उसके बाद इसका जो 1/4 इंच कपड़ा हमने छोड़ रखा है उसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते जाएंगे कुछ इस तरीके से और ऑल पिन को निकालते चली जाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसे फ़ोल्ड कर लिया है पूरे ही फैब्रिक को और बीच में मैं इसके कट लगा लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपनी शर्ट ले ली है जिसे मैंने कट कर रखा है ऑलरेडी। उसके बाद मैं शर्ट के बिल्कुल सेंटर में इसे रखना है अपने नेक को कुछ इस तरीके से, बिल्कुल सेंटर में आपको रखना है इसे, इधर उधर ना हो। तो नीचे से मैं ऑल पिन से इसे सिक्योर कर लूँगी जिससे ये हिले नहीं जब हम स्टिच करें। और उसके बाद के बिल्कुल बराबर बराबर स्टिच करेंगे हम बुकरम के नीचे की तरफ। जो पट्टी है यहीं पे ही आपसे, यहाँ से ही स्टार्ट करनी है आपको स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने वहीं पर ही इलाके से छोड़ा है जहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब दूसरी साइड पे मैंने वहीं पे ही निकाला है इसे। अब मैं इसे 1/4 इंच कपड़ा छोड़कर इसे कट कर लूँगी इस फैब्रिक को, अंदर के फैब्रिक को। ध्यान रहे 1/4 इंच कपड़ा आपको छोड़ना है। तो इसे मैंने कट कर लिया, उसके बाद मैं कोनों पर इस तरीके से कट लगा दूँगी, दोनों ही कोनों पर। ध्यान रहे आपकी सिलाई ना कट हो। उसके बाद इसे आप राइट साइड पर टर्न कर दें, सॉरी रॉन्ग साइड पर टर्न करना है आपको इसे। तो ये कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ आप जब इसे टर्न कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये शेप आएगा। और ये जो हमारा नेक खुला हुआ है इस पर आप सीधी सिलाई कर लें कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं मिला के कर रही हूँ नेक को, इस तरीके से आप इस पर स्टिच कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है, दूसरी तरफ को भी मैं इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने नेक रेडी कर लिया है। अब मैं एक बॉटम का ही फैब्रिक लूँगी अपना, जिसका कंट्रास्ट आपको अपने नेक पे डालना है उसका आप फैब्रिक ले लें। तो कुछ इस तरीके से मैंने फैब्रिक ले लिया है और उसके ऊपर की तरफ इस तरह से स्टिच करके इसे बाहर की तरफ राइट साइड पे, सॉरी, टर्न कर दूँगी कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। इसे टर्न करने के बाद मैं जो यहाँ पर जो मैंने नेक रेडी किया था उसके अंदर मुझे ये लगाना है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसके ऊपर स्टिच कर लूँगी इसे लगाने के बाद। तो ये पट्टी इधर उधर ना हो, आपकी ऊपर नीचे ना हो, तो मैं पहले मार्किंग कर लूँगी। तो मुझे 3 इंच जोड़ना है ऊपर से,
उसके बाद मैं इसे स्टिच कर लूँगी। तो मार्किंग करते टाइम आप इसे ज़रूर मार्किंग करके ही लगाएं तो ज़्यादा सही है, वरना ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसके बाद मैं अब बैक नेक कट करूँगी अपना, ये देख सकते हैं आप। तो मैं 3 इंची इसकी विड्थ लूँगी और आधा इंच पे इस तरीके से राउंड शेप दे के इसे कट कर लूँगी, क्योंकि हम इसमें अब कंठी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कट कर लिया है। अब मैं इसके शोल्डर जॉइंट कर लूँगी, दोनों ही फैब्रिक के फ्रंट एंड बैक का फैब्रिक जो है उन दोनों की शोल्डर में जॉइंट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब मैं अपना नेक की मार्किंग करेंगे, देखेंगे हमने कंठी कितनी लगानी है। तो कुछ इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है अपने नेक की, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा 12 इंच आ रहा है, तो मैंने बुकरम ले ली है 12 इंच के करीब। तो हाफ़ में फ़ोल्ड करना है आपको इस तरीके से बुकरम को, और 6 इंच में मार्किंग कर देना है, क्योंकि 12 का आधा 6 ही होता है। तो इसके लिए उसके बाद 1.5 इंच में मैं इस तरीके से एक मार्किंग और करूँगी और उसे एक राउंड शेप दूँगी कुछ इस तरीके से। हल्का सा राउंड शेप देना है आपको कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद 1-1 इंच का मैं मार्जिन ले लूँगी, 1 ही इंच चौड़ी मैं इसमें कंठी लगाऊंगी। आप चाहे जितनी लगा सकते हैं, 1/2 इंच या 1.5 इंच चौड़ी, वो आपकी चॉइस है इसमें। तो मैं यहाँ पे 1 इंच चौड़ी पट्टी इस तरीके से कट कर लूँगी, ये देख सकते हैं। और उसके बाद आप ऊपर से इसको मार्क कर सकते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 6 ही इंच आ रहा है पूरा। तो उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी कंठी कट हो चुकी है, ये देख सकते हैं। नीचे से भी मैं एक राउंड शेप दे दूँगी इसे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी कंठी रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लुक आएगा इसका। उसके बाद मैं इसे एक फैब्रिक पे चिपका लूँगी, या फिर एक सिलाई कर लें आप पहले ऊपर, और उसके बाद मैं इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी कपड़ा, जो ऊपर की साइड है उस पर 1/4 इंच कपड़ा मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी। आप चाहें तो आयरन कर सकते हैं इसमें, हल्के हाथों से आपको इस पर इस तरीके से फ़ोल्ड करते चले जाना है। तो यहाँ पे मैंने इसे पूरा फोल्ड कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। ऊपर की साइड को आपको फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे का फैब्रिक भी है 1/4 इंच कपड़ा छोड़कर इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने, ये देख सकते हैं आप, मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मैं एक और फैब्रिक लूँगी और इसके बिल्कुल बुकरम के बराबर बराबर ही स्टिच करती चली जाऊँगी, या आप बुकरम के ऊपर भी कर सकते हैं 1/4 इंच कपड़े पे। तो इस तरीके से मैंने बुकरम के ऊपर कर लिया है, और ऊपर के फैब्रिक को भी मैं 1/4 इंच कपड़ा छोड़कर जितना हमारा स्टिच जो होगा उसको भी कट कर लूँगी, और जो नीचे के जो हमारे ये राउंड शेप है उस पर भी कट लगा लेंगे हम। उसके बाद इसे हम जब राइट साइड पे टर्न करेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। आप चाहें तो पहले इस पर आयरन कर सकते हैं, उससे ये सही से लगेगी आपकी आयरन करने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने इसे कंठी रेडी हो चुकी है। उसके बाद आप बीच में कंठी के कट लगा लें, और रॉन्ग साइड पर आपको अपनी शर्ट रखनी है, और बीच में से मैं इसे स्टिच करके दिखा रही हूँ आपको, जिससे आपको आसानी रहे। आप चाहें तो बीच में से आप स्टिच कर लें आप इसे। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे स्टिच करती चली जाऊँगी लास्ट तक, जिधर आपका इसका मुंह आएगा उधर की तरफ हम थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड कर देंगे, जिससे फिनिशिंग अच्छे से आए। तो अब मैं दूसरी साइड को भी इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी, बीच में से ही शुरू करेंगे हम दूसरी साइड को भी। इससे आपकी जो कंठी है वो आराम से लग जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे स्ट्रेच कर लिया है। अब मैं इसे राइट साइड पे टर्न करूँगी और ऊपर एक स्टिच कर लूँगी, और जो हमने पहले सिलाई करी थी फोल्ड करने के लिए फैब्रिक, उसे मैं बाद में निकाल दूँगी सिलाई को। तो उसके बाद मैं, ये देख सकते हैं, मैंने राइट साइड पर इसे टर्न कर लिया है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक स्टिच कर दूँगी कुछ इस तरीके से। तो हमारी कंठी बनके रेडी हो जाएगी, और बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे कंठी को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, वरना आपकी कंठी सही नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी कंठी लग चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी कंठी को रेडी कर लिया है, ये देख सकते हैं हमारा नेक रेडी है। उसके बाद ये मैंने डोरी बनाई है, जिसके नीचे मैंने इस तरीके से एक लटकन लगा दी है। तो ये डोरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड पर इस तरीके से इसे स्टिच कर लूँगी दोनों डोरी को। तो सबसे पहले मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ, तो इस तरीके से मैं इसे स्टिच कर लूँगी दोनों साइड पर ही।
तो 2-3 सिलाई मैंने लगा दी है जिससे मेरी डोरी ना निकले। तो दोनों साइड को मैंने इस तरीके से इसे स्टिच कर लिया है। अब मैं इस पर इस तरीके से डोरी को बांध देंगे। तो ये हमारा जो है लुक है हमारे नेक का, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है गाइज ये, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है ये बनने के बाद। सामने से हमने एक बटन लगा देने हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा नेक रेडी हो चुका है गाइज। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।